घोटाले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में, जहां आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये दावा ठोक रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की हत्या की जा सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को ऐसी जेल में रखा गया है जहां पर जो है खूंखार आरोपी अपराधी पल रहे हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर उस कमरे में रखा गया है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अपराधी और खूंखार अपराधी रह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर मनीष सिसोदिया को नई मुसीबत जो है फिर से चढ़ गई, जहां सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं देखा जाए तो ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की कथित फीडबैक यूनिट से जुड़े एक जासूसी मामले में सीबीआई ने 14 मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 7 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इस बात का खुलासा आज हुआ है। एफआईआर में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन का नाम भी यहां पर सामने आ रहा है। देखिए, मैं आपको नाम बताता हूं किस किस के नाम यहां पर शामिल किए गए हैं। मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम सुकेश कुमार जैन, आईआरएस 1992 तत्कालीन विजिलेंस सचिव नई दिल्ली, राकेश कुमार सिन्हा सीएम के स्पेशल एडवाइजर और ज्वाइंट डायरेक्टर फीडबैक यूनिट दिल्ली, प्रदीप कुमार पुंज का नाम है, सतीश खेल खेत्रपाल का नाम है, गोपाल मोहन का नाम है, ये तमाम नाम यहां पर सामने फिर से आ रहे हैं। तो यहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और यहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरों की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन संजय सिंह ने दावा ठोक दिया है कि यहां पर मनीष सिसोदिया की जान को भी खतरा है और वहां अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इस तरीके की खबर सामने है। उधर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर कहा कि पीएम मोदी की साजिश है कि मनीष सिसोदिया पर झूठे केस लगाकर उन्हें जेल में रखा जाए, यह देश के लिए दुखद खबर है, इस तरीके की बात यहां पर अरविंद केजरीवाल ने दर्शकों कही है। लेकिन मैं आपसे जानना और समझना चाहता हूं दर्शकों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उस आधार पर जो है एक प्रोग्राम तैयार किया जा सके और बताया जा सके कि आखिर क्या लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो मनीष सिसोदिया, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम नेताओं पर जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और आईटी का शिकंजा कसा है, इसको देखते हुए विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक होने के कारण बीजेपी के अंदर डर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो दावा संजय और यहां पर केजरीवाल ने ठोका है, तो क्या सच में मनीष सिसोदिया की हत्या हो सकती है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।